अब मैं बात करता हूँ तो और डीप डाउन होके, शुरू में मेरे पास कोई टीम नहीं थी, तो मैंने SEO, टाइटल, थंबनेल, ये सब मैंने खुद ने सीखा। तो मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे करता था। तो YouTube पे SEO कैसे किया जाता है, YouTube पे थंबनेल कैसे लगाया जाता था, टाइटल कैसे लगाया जाता था। तो मेरे साथ है ना, पता नहीं है गॉड गिफ्ट है या क्या है, मुझे नहीं पता, पर मैं ना ये भाप लेता हूँ कि मैं ऑडियंस की तरह सोचता हूँ कि ऑडियंस क्या देखना चाहेगी, क्या लिखा होगा कि मैं क्लिक करूंगा। मैं उसमें से सोच के टाइटल को डिसाइड करता था, पहली चीज तो ये थी। दूसरा, थंबनेल में शुरू से ही जो थंबनेल बना रहा था, पहले तो मैं जो लैपटॉप के अंदर प्रिंट होता है ना, प्रिंट में हम लोग थंबनेल बनाते थे। बाद में पता लगा कि हम पागल थे कि यार कहाँ प्रिंट, वो प्रिंट वाला सॉफ्टवेयर नहीं होता, उसके अंदर जाके थंबनेल बनाते थे। बाद में समझ में आ रहे यार इतने सारे ऐप्स आते हैं जिसमें आप आसानी से थंबनेल बना सकते हो, आप सिर्फ क्या करना होता है, मोबाइल में ऐप डाउनलोड करो, थंबनेल बनाओ। तो मैंने फिर तब से मैं यही काम कर रहा हूँ। मेरे पास एक थंबनेल बनाने का है, वैसे आप थंबनेल बहुत से बना सकते हो, आप इनशॉट से भी थंबनेल बना सकते हो। मेरा फेवरेट इनकोलाज है, मैंने उसको डाउनलोड किया, किसी को भी मैं कभी भी थंबनेल बना सकता हूँ। दैट्स वेरी इजी टू यूज, आप उसको यूज करो, बहुत आसानी से वो यूज हो जाता है। आप उसको थंबनेल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी एडिट कर सकते हो, लेआउट से लेके सब कुछ आप उस पर लिख भी सकते हो। दिस इज माय फेवरेट। तो आप इनकोलाज, मैं बहुत सालों से यूज कर रहा हूँ इनकोलाज को। तो अगर आप थंबनेल बनाना चाहते हो तो यू कैन यूज इनकोलाज। इसके अलावा अगर आप वीडियो को एडिट करना चाहते हो तो आप छोटा मोटा एडिट, मतलब छोटा मोटा, प्रोफेशनल की बात नहीं कर सकता हूँ, बट नॉर्मल वे से एडिटिंग आप इन शॉर्ट से कर सकते हो। इन शॉर्ट से नॉर्मल वे से एडिटिंग हो जाती है।